दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक रोमांचक स्लीप स्टोरी सीक्रेट चैम्बर्स ऑफ सेजस। ये कहानी आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी। दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। साथ ही साथ ये दलाई लामा का घर भी है। तिब्बत की धरती हमारी पृथ्वी की सबसे दुर्लभ और सुंदर जगह मानी जाती है। तिब्बत की धरती पर भी बहुत सी ऐसी रहस्यमय गुफाएं हैं जिनके बारे में साधारण लोगों को नहीं पता। ये जगह ना ही केवल अपने ऊंचे ऊंचे सुंदर पहाड़ों के लिए जानी जाती है, बल्कि हर साल हजारों की संख्या में माउंटेन क्लाइंबर्स और ट्रेवलर्स को आकर्षित करती है। बहुत सारे राइडर्स और ट्रेवलर्स यहां जाकर गहरी शांति महसूस करते हैं। कुछ ट्रेवलर्स का तो ये मानना है कि वहां के पहाड़ इतने सुंदर और अट्रैक्टिव हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो आपसे बात कर रहे हों। बहुत सारे लोग तो अपने जीवन का कुछ मकसद ढूंढने इन पहाड़ों में जाते हैं। हैरानी की बात है कि बीते कुछ सालों में तिब्बत के पहाड़ों के बहुत सारे रहस्य पश्चिमी दुनिया में फैलने लगे हैं और दूसरी तरफ हमारे भारत के लोगों को ही इन सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता। तो आइए आज हम आपको एक ऐसी सैर पर ले चलते हैं जो एक एक करके इस धरती के सारे रहस्य खोलती जाएगी। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें।
एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़ा सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक बार की बात है, एक योगा टीचर अविनाश पूरे भारत की यात्रा पर निकले हुए थे। बाइक राइडिंग और कैंपिंग करते करते उन्हें बहुत समय हो चुका था। वे जहां भी जाते वहीं बच्चों और बड़ों सभी को योग सिखाया करते थे। जिस गांव में भी कैंप डालते वहां जैसे मेला सा लग जाता था और वहां के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। कभी कभी तो लोग कहते थे कि आपका हमारे गांव में आना किसी उत्सव जैसा है, हमें बहुत अच्छा लगता है, आप कितने शुद्ध भाव से लोगों को योग और ध्यान सिखा रहे हैं। एक बार ट्रेवल करते हुए अविनाश को तिब्बत के एक पहाड़ी इलाके के ट्रेवलर ग्रुप ने अपने यहां पिकनिक पर इनवाइट किया। अविनाश को पहाड़ों में बाइक राइडिंग का बहुत शौक था। अविनाश तिब्बत की संस्कृति और बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनके बारे में रुचि रखते थे। अविनाश को नहीं पता था कि आज उन्हें एक रोमांचक अनुभव होने वाला है। अविनाश और उन लोगों ने एक खूबसूरत पहाड़ पर जाकर कैंप लगा दिया। पार्टी के बाद जब रात को सब लोग सो गए तब अविनाश भी अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें अचानक घनी झाड़ियों के पीछे एक डिवाइन लाइट दिखाई दी। उस लाइट से एक अलग सी ऊर्जा और
प्रकाश निकल रहा था जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो प्रकाश आगे बढ़ने लगा तो अविनाश को जिज्ञासा हुई कि देखते हैं ये प्रकाश कहां जा रहा है। अविनाश भी उसका पीछा करने लगे। वो सुंदर प्रकाश अचानक एक पर्वत पर जाकर रुक गया और देखते ही देखते एक ऋषि के रूप में बदल गया। अविनाश ये सब देखकर हैरान थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा चमत्कार है। हालांकि उन्होंने तिब्बत की संस्कृति में ऐसे बहुत सी घटनाओं का जिक्र सुन रखा था, परंतु आज पहली बार ऐसी किसी घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे। ऋषि का शरीर कांति और प्रकाश से भरा हुआ था। चेहरे पर एक आकर्षक तेज था। ऋषि अविनाश का नाम भी जानते थे और उन्हें नाम से पुकार रहे थे। जैसे ही ऋषि ने अविनाश को नाम से पुकारा, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनका मन ऋषि से बहुत सारे सवाल करना चाहता था, लेकिन ऋषि की उपस्थिति ऐसी थी कि और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस अविनाश तो उनको निहारे जा रहे थे। जैसे ही ऋषि ने बड़े प्रेम से बात करते हुए अविनाश को छुआ तो मानो उनके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा और शक्ति का संचार होने लगा। थोड़ी ही देर में वहां पर जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। हवा इतनी सर्द थी कि अविनाश का रोम रोम पुलकित हो रहा था। वह ऋषि को दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। ऋषि अविनाश से कहते हैं कि मैंने ही तुम्हारे मन में विचार डालकर तुम्हें यहां तक बुलाया है। तुम्हारी एक विशेष नियति है। तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। फिर ऋषि ने उनके माथे पर अपना अंगूठा लगाया और देखते ही देखते आसपास का सारा वातावरण बदल गया। अविनाश का अतीत किसी सिनेमा फिल्म की तरह सामने दिखाई देने लगा। अविनाश का सारा जीवन वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे। आसपास की चट्टाने और पेड़ पौधे गायब हो गए थे और उनकी जगह अविनाश के अतीत के दृश्यों ने ले ली थी। उनका जीवन प्रेरणादायक था। वह सचमुच एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसने अपने जीवन में समाज के लिए और गरीबों के लिए बहुत से अच्छे काम किए थे।
फिर जैसे ही ऋषि ने अपना हाथ हटाया, वह दृश्य फिर से गायब हो गई और वापस चट्टान और पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। अविनाश ये सब देखकर आश्चर्यचकित था। किसी सिद्ध ऋषि के साथ उनके जीवन का ये पहला अनुभव था। अंत में अविनाश ने ऋषि के चरण स्पर्श किए और घोषणा की कि वह शंभाला में प्रवेश करने के लिए तैयार है। शंभाला हिमालय में सिद्ध ऋषियों का एक गुप्त स्थान है, जहां की सुंदरता स्वर्ग से भी बढ़कर है। वहां जाने वाले व्यक्ति को अपने आप ही अमरता प्राप्त हो जाती है। वहां पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों का ऐसा सुंदर मिलन देखने को मिलता है कि मानो किसी फ्यूचर सिटी में प्रवेश कर लिया हो। अविनाश को लगा उसने शंभाला की एक झलक देखी थी, जो उसके आने वाले पूरे जीवन को बदलने के लिए जरूरी थी। ऋषि ने बताया कि ये रहस्यमय स्थान हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों के झरनों के पीछे छिपा हुआ है और वहां केवल सिद्धियों और आध्यात्मिक शक्तियों की सहायता से ही पहुंचा जा सकता है। ये शहर तिब्बती पठार के घाटियों के पीछे छिपा हुआ है, जहां आज भी बहुत सारे अमर लोग रहते हैं, जो सैकड़ों सालों की साधना के बाद अमर हो चुके हैं। वहां किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई दुख। शंभाला की कहानी कई सालों से तिब्बत की संस्कृति में सुनाई जा रही है। शंभाला शब्द का अर्थ ही है खुशी का झरना, जो हिमालय की घाटियों में छिपा हुआ आश्चर्यजनक सुंदर शहर है। इसमें रहने वाले ज्ञानी और तपस्वी लोग पूरी दुनिया की एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर अलग अलग रूप में लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। जिन लोगों ने इसको देखा है वो इसे झिलमिल करता हुआ शहर बताते हैं। यहां के ऋषि मुनि दुनिया भर में फैले अध्यात्म की रक्षा करते हैं। किसी भी मजहब या धर्म का व्यक्ति अगर योग्य हो तो उसको वह लोग स्वागत करते हैं और सारी आध्यात्मिक शिक्षा और शक्तियां सिखाते हैं। ऋषि ने बताया कि शंभाला में समय रुक जाता है और बहुत धीमी गति से बढ़ता है।
शंभाला वो जगह है जहां पर जीवन कल्पना से भी सुंदर होता है, जैसे कोई स्वप्नलोक। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र मिलता है। कई संस्कृतियों में तो इसे गौतम बुद्ध के नाम से जोड़कर भी देखा जाता है। बौद्ध धर्म के कई ग्रंथों में भी शंभाला जाने के मार्ग का जिक्र मिलता है, परंतु वहां दी गई जानकारी पूरी नहीं है। उस पर बहुत रिसर्च और शोध की जरूरत है। केवल निपुण योगी ही इस शहर में प्रवेश कर सकते हैं। ऋषि ने बताया कि वहां के योगियों को जब धरती पर धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता महसूस होगी, तब वहां के योगी धरती के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और शंभाला का रहस्य लोगों के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। परंतु अभी धरती इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसका गुप्त रहना ही ठीक है। इसी में सबकी भलाई है। पश्चिमी सभ्यता के कई वैज्ञानिकों ने भी तिब्बत से प्रेरित होकर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें शंभाला का जिक्र किया गया है। सन 1933 में एक अंग्रेज ने ही पश्चिमी सभ्यता में शंभाला का प्रचार किया। उसकी लिखी हुई किताब उसकी शंभाला में प्रवेश करने की कहानी बताती है। वो किताब बताती है कि किस तरह वह ब्रिटिश व्यक्ति शंभाला में शांति और प्रेम पाता है। उनकी इस किताब में बहुत सारे शोधकर्ताओं और रिसर्चर्स को मोटिवेट किया। वे लोग इस रहस्यमय शहर की तलाश में भी गए, लेकिन अब तक किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ऋषि बताते हैं इसको पाने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है आपकी पवित्रता। ऋषि बताते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि तरह तरह के सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वह भी शंभाला को खोजने में असमर्थ हैं। वे कहते हैं कि वर्तमान विज्ञान अभी इतना काबिल नहीं हुआ है कि शंभाला को खोज या समझ सके। इन सैटेलाइट से पृथ्वी के किसी भी हिस्से को देखा जा सकता है, परंतु शंभाला को नहीं। और इसका रहस्य है इस शहर का विज्ञान। ये शहर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक डायमेंशंस में एक साथ मौजूद है, और यहां केवल प्योर मेडिटेशन और
ज्ञान के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। वहां ऐसे योगी मौजूद हैं जो हमेशा जीवित रहेंगे, और जब तक ये धरती है तब तक अपने शरीर में ही जिंदा रहकर अलग अलग रूप में लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अमरता का विचार आजकल वैज्ञानिकों में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। वे लोग नए नए शोध और रिसर्च कर रहे हैं और अब मानने भी लगे हैं कि मनुष्य का अमर होना कोई कल्पना नहीं है बल्कि सत्य है। ऋषियों का मानना है कि बुढ़ापा कोई नेचुरल चीज नहीं है बल्कि इसे हमें एक बीमारी के रूप में देखना चाहिए, जिसे विज्ञान की सहायता से ठीक किया जा सकता है या रोका भी जा सकता है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों और फलों का जिक्र आता है जो हमारे शरीर के सेल्स का रिजुविनेशन कर सकते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही योग और ध्यान की सहायता से इन हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने का तरीका बताया था। योगियों के दिमाग में हर समय ऐसे केमिकल रिलीज होते रहते हैं जो शरीर को जीवित रखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि भविष्य में विज्ञान मनुष्य को अमर कर देगा, तो ये मानना भी गलत नहीं है कि आज भी ऐसे योगी हिमालय में मौजूद हैं जो अध्यात्म और योग की शक्ति से खुद को अमर कर चुके हैं। ऋषि अविनाश को बताते हैं कि ये शहर कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम कहीं जाकर ढूंढ सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये कोई स्वर्ग नहीं है पर इसी धरती पर दूसरी डायमेंशंस में मौजूद एक शुद्ध भूमि है, और यहां जाने का एकमात्र तरीका आपका कार्मिक कनेक्शन है। ऋषि ने अविनाश से कहा कि बेटा अब तुम जाओ और अपने जीवन को पवित्र बनाओ, और हां सुनो, तुमने जहां कैंप लगा रखा है कृपया उस जगह को वहां से खाली कर दो। वो जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अविनाश को पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु अब ऋषि से ये सब सुनने के बाद वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम और ऋषि के लिए सम्मान झलक रहा था, जैसे किसी डूबती हुई कश्ती को तिनके का सहारा मिल गया हो। अविनाश ने सर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया, और जैसे ही सर उठाया वे अंतर ध्यान हो चुके थे।
अविनाश समझ गए थे कि आज मुझे ये सब समझाने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ही ऋषि ने दर्शन दिए थे। उन्हें लगा कि शायद ये मेरी ईमानदारी और भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि का परिणाम है। अब अविनाश रास्ते भर सोचते सोचते अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। कैंप पर पहुंचकर उन्होंने सभी को वो जगह खाली करने के लिए कहा। अचानक अविनाश का मन बदला हुआ देखकर सब लोग हैरानी में पड़ गए कि अचानक ऐसा क्या हुआ। अविनाश तो यहां पिकनिक मनाने आए थे और अब अचानक जा रहे हैं। वो जगह खाली कर दी गई और वहां से कुछ दूर दूसरे पहाड़ पर कैंप डाला गया। रात को अविनाश अपने कैंप में बहुत शांति और पवित्रता महसूस कर रहे थे और वे शंभाला की खूबसूरती का विचार करते हुए सो गए। अगले दिन जब वे उठे तो अचानक उन्हें बाहर कोई शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि सब लोग इकट्ठे होकर उसी पहाड़ को देख रहे थे जहां पहले कैंप डाला गया था। बाहर जाकर पता चला कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वहां पर पानी भर गया था। अविनाश ने मन ही मन ऋषि को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया और उनका विश्वास और अधिक बढ़ गया। अब वो शहर जाकर लोगों की सहायता करने लगे और समाज के कार्यों में खुद को समर्पित कर दिया। आपने ये कहानी सुनी, कहानी सीक्रेट चैम्बर्स ऑफ सेजस। कि आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। आप महसूस कर रहे हैं कि नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।